से दूर, खबरों से भरपूर। देखिए, इस सारे परिवर्तन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जदयू को कमजोर करने का, नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को छोटा करने का जो एक साजिश की थी, वो एक्सपोज हो गई। आपको याद होगा कि 2020 में, यानी 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया था और चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार खड़े किए थे। तो उसका और कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था कि जदयू को कम से कम सीट आए और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और फिर वो, ताकि वो मुख्यमंत्री का दावा कर सके। तो उस समय तो उनका वो पूरी तरह से षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये षड्यंत्र लगातार चल रहा था और बीच में भी ये कोशिश की जा रही थी। अभी जो रामचंद्र सिंह जो मंत्री बनाए गए थे केंद्र में, और एक तरह से कहा जाता है कि वो भी नीतीश कुमार की मर्जी के विपरीत बनाए गए, और वो नुमाइंदे तो जदयू के थे लेकिन वो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे जदयू को तोड़ा जाए। तो जो फार्मूला इन्होंने महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया शिवसेना को तोड़कर, वो चाहते थे कि उसी तरह से जदयू को यहाँ तोड़कर और अपनी सरकार फुल फ्लेज सरकार बनाए, लेकिन उस साजिश में वो कामयाब नहीं हुए। और समय रहते हुए नीतीश जी को इसका एहसास हो गया और वो एनडीए से बाहर आ गया। लेकिन नीतीश अब महागठबंधन के तरफ आ गए हैं, उसी को उन्होंने पहले छोड़ दिया था बीजेपी की तरफ जाने के लिए, और ये जनादेश का अपमान हुआ है जी चिराग पासवान ने कहा है, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मांग की है। तो 2017 में यही मांग काहे नहीं क्यों नहीं किया चिराग पासवान जी ने, कि भाई उस वक्त भी तो जो महागठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े थे और जाके फिर बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था और सरकार बनाई थी, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, और आज वो उसी बात का वो विरोध कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? लेकिन आप इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार पर? आपको तो धोखा दे चुके हैं वो। देखिए, हमारा मकसद पूरा हुआ। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको कमज़ोर करना। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, लोगों के बीच में नफरत घृणा पैदा कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है, तो उस राजनीति को कमज़ोर करने में जो भी व्यक्ति आगे आएगा हम उसका साथ देंगे। आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी हमने शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, शिवसेना से हमारा कोई तालमेल नहीं था, शिवसेना के साथ कोई हमारा वैचारिक संबंध नहीं था, लेकिन हमने उनको समर्थन इसीलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना था, उनकी सरकार बनने से उसको रोकना था। लेकिन जब विपक्ष के खेमे में आ रहे हैं नीतीश कुमार, तो राहुल गांधी के लिए चुनौती पेश करेंगे वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर, अगर विपक्ष के उम्मीदवार वो बनते हैं तो एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे कांग्रेस के लिए खुद। ये राहुल गांधी जी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे, वो मोदी जी के लिए वो बनेंगे। मोदी जी ये पहली शिकस्त कहा जाए उनको, अब इतने लंबे अरसे में, काफ़ी लंबे अरसे में के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी को एक शिकस्त का मौका मिला है, और मैं समझता हूँ कि इसका असर जो बिहार में जो परिवर्तन आया है, जो तब्दीली आई है, वो पूरे देश में उसका असर है। धन्यवाद बात करने के लिए और बिहार की राजनीति में।